सोलहवीं उत्तराखंड प्रादेशिक पुलिस तैराकी एवं क्रॉस कंट्री 3 दिवसीय प्रतियोगिता 40 वाहिनी पीएसी में शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ आईजी अमित सिन्हा ने किया। अमित सिन्हा ने कहा कि इस प्रतियोगिता के विजेता तैराकी केंद्र में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन्हीं खिलाड़ियों में से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी चुने जाएंगे जो देश और राज्य का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों को विभाग की तरफ से विशेष सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी इन पर अन्य राज्यों की तरह अमल होना शुरू नहीं हो पा रहा। जो अंतर वाहिनी और जनपदीय जो हमारी प्रतियोगिता होती है क्रॉस कंट्री की, तो इस बार 40वीं वाहिनी हरिद्वार में रखी गई है और इसमें हमारे 13 जनपद और 5 वाहिनियां ये हिस्सा ले रहे हैं। साथ में एसटीएनएफ की वाहिनी 6ठी है वो हिस्सा ले रही है। और इस तरह से इस जो हम सौहार्द में ये जो अपना अपनी प्रतियोगिता कराते हैं, इससे इसमें जो कम्पीट करते हैं, जो फर्स्ट रैंक पे होते हैं, उसकी टीम बनती है और वो टीम फिर हमारे राज्य को देश में प्रतिनिधि उसका देती है। और जिस तरह से आपने देखा हो कि हमारे पूर्व में कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने हैं, पुलिस में ही नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी में ही, तो उससे उसको देखते हुए इस तरह की प्रतियोगिताओं का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। और हमारे पहाड़ की प्रतिभाएँ काफ़ी, आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छी प्रतिभा है और जिसको कि देश में हर स्तर पर देखा गया है। तो इन सब प्रतियोगिताओं का आयोजन करके इनको हम प्रोत्साहित करते हैं। पुलिस बल में एक तो टीम स्पिरिट, टीम भावना की बढ़त होती है इन सब चीज़ों से और साथ में हम अपने राज्य का नाम ऊंचा करते हैं। देवभूमि न्यूज़ के लिए हरिद्वार से आलोक विश्नोई की रिपोर्ट।